आपको सिखाते हैं, जैसे लिंटल होता है आपका, जो लिंटल प्रोवाइड हो रहा है इसमें, यहाँ पे लिंटल हो है, ये एसी ब्लॉक है, एसी ब्लॉक एंड लिंटल होता है, इस पे जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को जब प्लास्टर करते हैं मोस्टली क्रैक्स कर जाता है, जैसे ये पॉइंट आपका, और जहाँ पे कॉलम एंड वॉल होता है, जैसे कि यहाँ पे तो टक बन रहा है, इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, जहाँ पे फेस में जैसे एसी ब्लॉक है और बीम है, ये फेस में आ जाता है, देखो फेस में आ जाता है, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है एमएस जाली लगा सकते हैं, या फिर आपका चिकन मांस उसको लगा, मैं आपको दिखाता हूँ चिकन मांस किस तरह का होता है। ये आती है चिकन मांस, ये इस तरह की जाली होती है, या फिर आप इसको एमएस जाल भी लगा, एमएस जाली होती है वो भी लगा सकते हैं, एमएस जाली इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये आप एसी ब्लॉक है, और जो एमएस जाली होती है वो ब्रिक मेजरनरी के अंदर करते हैं, जैसे रेड ब्रिक मेजरनरी होती है, रेड ब्रिक उसमें हम लगाते हैं, तो रेड ब्रिक नहीं है बट ये आपका एसी ब्लॉक है, तो इसमें आसानी से चिकन मांस जाली जो होती है वो इसमें से प्रोवाइड करनी होती है, ताकि प्लास्टर के टाइम पे इसमें कोई क्रैक्स ना आए, बिकॉज ये लिंटल है, ये आरसीसी है आपकी, और ये एसी ब्लॉक है, मेजरनरी है, तो यहाँ पे मोस्टली क्रैक्स आने लगते हैं, वो क्रैक्स ना आए इस वजह से आपको एमएस जाली यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। किस तरह से करते हैं आपको दिखा देते हैं, ये आपकी चिकन मांस जाली है, और ये इस तरह से प्रोवाइड करते हैं सीमेंट से, सीमेंट सलरी होती है, जस्ट ओनली सीमेंट, ये आपकी तरह सीमेंट घोलते हैं, जस्ट ओनली सीमेंट, सीमेंट एंड वाटर होता है मिक्सिंग करने के बाद, जैसे प्लास्टर के लिए सीमेंट सलरी घोलते हैं वही आपको ये करना होता है। ये आपके बीच में लिंटल है, यहाँ पे आपका बीम हो गई, और ये आपका एसी ब्लॉक है, एसी ब्लॉक के प्रॉपरली से इसमें लिंटर छुप जाता है, जैसे प्लास्टर करते हैं इसमें कोई क्रैक्स नहीं आएगा, प्रॉपरली से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इससे। और जो रेड ब्रिक्स होती हैं, एसी जो रेड ब्रिक्स होती हैं, अगर वहाँ पे लिंटल बीम होता है, लिंटल बीम जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपके ये आपका कॉलम है और ये आपका एसी ब्लॉक है, तो यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम है एंड आपके ब्रिक मेजर, यो सॉरी एसी ब्लॉक मेजर नहीं है, तो यहाँ पे एक जॉइंट आ जाता है, अगर इसको यहाँ पे कोई एमएस जाली नहीं लगाते हैं या फिर चिकन मांस नहीं लगाते, जाली होती है ये ना लगाए, तो क्रैक्स आने लगते हैं यहाँ पे, वो क्रैक्स को कैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रैक्स आते हैं, तो वो सेटिस्फाई के लिए इसमें क्रैक्स ना आए, तो इस वजह से आपको चिकन मांस जाली लगाते हैं एसी ब्लॉक के अंदर, अगर एसी ब्लॉक नहीं है तो रेड ब्रिक्स है तो आपको एमएस जाली आती है, एमएस जाली भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसको कील से रोकना होता है, एमएस जाली को कील से ठोकते हैं, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ती कील से लगाने के लिए, बिकॉज ये लाइट वेट होता है, और एमएस जाली होती है वो प्रॉपरली से रोल हो जाती है, इसमें रोल नहीं हो पाती, ये एमएस या फिर चिकन मांस से जाली है, सीमेंट से बस चिपका देते हैं इसको। जब भी सीमेंट सल रहेगी इस तरह से आपको इसमें प्रॉपरली से चिपका दिया जाता है, ताकि प्लास्टर के टाइम पे इसमें कोई क्रैक्स ना आए। एक सिम प्लास्टर में एक हीट हाइड्रेशन होने लगता है, जिससे बाद में जो हीट होने लगता है बीच में से, वो क्रैक्स हवा आने से क्रैक होने लगते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लगा है, और एंड ये वर्टिकल कॉलम एंड एसी ब्लॉक सिस्टम आई में अंदर से इधर भी लगाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं।